हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से समझ लिया था, एक बार हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे की ओर मूव करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को सॉल्व कर लिया था, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। देखो, यहां पर मैंने ये लिया है, अगर मुझे इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, देखो यहां पर मैंने CH3 और इस हाँ इसका मुझे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कराना है किसके प्रेजेंस में बच्चों, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में और सेकंड यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये क्यों ले रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो इसका सॉल्यूशन समझते बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो अगर मैं इसको करूं तो यहां पर सबसे पहले ये क्या बना लेगा बच्चों, इनोलेट आयन। तो यहां पर CH2H, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने OH माइनस के साथ रिएक्शन कराया तो ये आपका इसके साथ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा CO और यहां पर CH2-। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये आपका इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्चुअली में ये आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको फिर से एग्जांपल लिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका इनोलेट अटैक एज न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनोलेट आपका इसी पे, मतलब इसी पे रिएक्शन करेगा। जब आपका इनोलेट अगर आपका इसी पे अटैक करेगा, मतलब CH3 यहां से ये माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा ये इस तरीके से, और यहां पर CO माइनस, यहां पर CH3 और यहां पर CH2CO और ये आपका इस तरीके से। अब इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराई, इसकी रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया तो क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका एल्डोल बन जाएगा, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, एल्डोल, यहां पर आपका बन गया बच्चों एल्डोल। ठीक है, नाउ अब देखो बच्चों, ये मैंने क्यों कराया, ये मैंने स्टेप क्यों कराया, ध्यान से समझना कि देखो इक्विलिब्रियम में, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में होने की वजह से मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर 10 मॉलिक्यूल है तो ये 8, ये 10 है तो ये 2 है, तो ये 10 होगा, ये 2 होगा, फिर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, मतलब ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, yield of aldol will be too less, मतलब आपका यहां पर एल्डोल का यील्ड करना काफी कम हो जाएगा, मतलब ये आपका 100% है तो ये आपका मान के चलो कि यहां पर 2% या फिर 3% आपका एल्डोल फॉर्म होगा, 2% या 3% आपका एल्डोल फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि सारा प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होने की वजह से यहां पर यील्ड ऑफ एल्डोल, एल्डोल का यील्ड करना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए यील्ड ऑफ एल्डोल काफी कम होता है। क्यों, ड्यू टू द, यहां पर लिख लो ड्यू टू द रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से यील्ड ऑफ एल्डोल काफी कम होगा। लेकिन अगर आपको NaOH दिखे तो आपको एल्डोल बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यील्ड ऑफ एल्डोल अगर आपका कम है तो आप एल्डोल नहीं बनाओगे, तो यहां पर आपको एल्डोल ही बनाना है। अब देखो यहां पर क्या होगा, CH2 ये आपका OH और ये आपका इस तरीके से कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अगर मैंने हीट कर देंगे तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अगर आपका बाहर निकल गया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, यहां पर आपका इस तरीके से CH2CC ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड,
और बीटा हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और यहां पर क्या बन गया बच्चों, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमको यहां पर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, काफी कम बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपका इनोलेट आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक एसिड होगा, और मैंने आपको बताया था वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड H2O आपका क्या होगा एस कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना आपका बहुत टफ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहां पर रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यील्ड ऑफ एल्डोल ध्यान रखना, मैंने पॉइंट क्यों लिया ये वाला वापस से, क्योंकि यहां पर यील्ड ऑफ एल्डोल काफी कम होगा, इसको मुझे बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते बच्चों यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। सेकेंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों यहीं पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो देखो यहां पर अगर मैंने CH3COH और यहां पर CH3CH2COH, मैंने दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड मैंने ले लिए, मैंने दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड ले लिए, तो यहां पर अगर मैंने डायल्यूट NaO, डायल्यूट OH माइनस, और सेकंड अगर मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको इसको ध्यान से समझना है, काफी इजी है, अगर एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको मैं लेता हूं वन, अब देखो इसको मैं लेता हूं टू, एक बार क्या होगा, वन रिएक्ट विद वन आपका एक एक के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा बच्चों, एक का जब मैं इनोलेट आयन बनाऊंगा तो यहां पर आपके चार प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, चार होंगे। तो अगर मैं एक का इनोलेट आयन बनाऊंगा तो ध्यान से समझना, यहां पर आपका OH माइनस ये इसके साथ निकल जाएगा, यहां पर आपका क्या बनेगा CH2 माइनस COH। ठीक है, अब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां पर आपका आपका क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड O माइनस और यहां पर आपका H। ठीक है, इस तरीके से आपका अटैक हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक को अटैक कराना है किस पर, इसी पर, मतलब वन रिएक्ट विद वन, वन वन के साथ ही आपका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, तो सबसे पहला प्रोसेस में क्या होगा, वन वन के साथ तो इनोलेट आयन आपका अटैक करेगा, तो यहां पर इनोलेट आयन अगर आपका अटैक करेगा तो किस तरीके से करेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहां पर CH3CH C, अब ये ऊपर जाएगा O माइनस, नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर अब आपका CH2COH और सेकेंड स्टेप में H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर क्या बनेगा CH3COH CH2COH, ये आपका वन वन के साथ बनके एक प्रोडक्ट बना, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, मान के चलो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रोडक्ट समझना बच्चों, सेकंड प्रोडक्ट ध्यान से समझना, अब सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, सेकंड प्रोडक्ट रिएक्ट विद टू। ठीक है, अगर दो दो के साथ अगर आपका रिएक्ट करता तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन यहां है COH। ठीक है, अब देखो OH माइनस यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तो आपका CH2 माइनस बन जाएगा और यहाँ पर COH बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगले प्रोसेस में ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, अब अगले प्रोसेस में ऐसा होगा तो इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पर H। नेक्स्ट स्टेप में आपका टू पर ही रिएक्ट कराना है, टू के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जब आपका टू टू के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा
और यहां पर ये अटैक मार जाएगा, यहां पर ये अटैक मारेगा, नाउ क्या होगा बच्चों, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ माइनस, यहां पर आपका सी एच सी एच थ्री, यहां पर आपका सी ओ एच, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराएंगे, एच टू ओ के साथ, हमने अभी हीट का हम देखेंगे नहीं, हमको अभी इसी के साथ रिएक्शन कराना है, हीट का हम देखेंगे नहीं, हीट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब भी हीट दिया हो तभी आपको अनसेचुरेशन लाना है, जब भी हीट दिया हो तभी आपको अनसेचुरेशन लाना है, ठीक है, वरना आपको अनसेचुरेशन नहीं लाना है। देखो ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ टू टू ने टू को प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर बी एक प्रोडक्ट बना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका किसका था, सेल्फ कंडेंसेशन का, सेल्फ कंडेंसेशन का, और बी आपका किसका प्रोडक्ट है बच्चों, सेल्फ कंडेंसेशन का। तो मैं यहाँ पर एक बार साइड में प्रोडक्ट लिख के रखता हूँ, सेल्फ कंडेंसेशन का, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर, अब ध्यान से समझना, वन ने टू पर अटैक किया और एक बार आपका टू ने वन पे अटैक किया, ठीक है, एक बार आपका टू ने वन पर अटैक किया, एक बार वन ने टू पर। तो देख लेते बच्चों, तो यहां पर मैंने, यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या था बच्चों, इसका प्रोडक्ट बनाता बना के रखता हूँ बच्चों में साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एच डबल बोन, यहाँ पर एच, और यहाँ पर आपका ओ एच, ये आपका इसी के साथ रिएक्शन कराया था इसने, तो यहाँ पर सी एच टू सी ओ एच, ए ए की ये प्रोडक्ट था ए, बी प्रोडक्ट आपको क्या बना, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच सी एच थ्री सी ओ एच, ये आपका बी प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब सी में क्या होगा बच्चों, ये आपका इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोजन, तो वन वन एज इनोलेट आयन, वन एज इनोलेट आयन, एंड टू टू एज इलेक्ट्रोफाइल, टू एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ध्यान ध्यान से समझना, वन से हमको क्या बनाना है, इनोलेट आयन को बनाना है, तो वन से मैं यहाँ वो इनोलेट आयन को बना दूंगा, ओ एच माइनस बेस, ये यहाँ ट्रैप करेगा, तो यहाँ पर सी एच टू माइनस, यहाँ पर सी ओ, यहाँ पर एच, ये आपका इक्विलिब्रियम में प्रोसेस होता है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर सी एच टू डबल बोन्ड सी ओ माइनस, और ये आपका एच, ठीक है। अब ये इनोलेट आयन टू पर अटैक करेगा, जब ये इनोलेट आयन अगर आपका टू पर अटैक करेगा तो यहाँ पर सी एच टू सी, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर सी एच टू सी, ये बोन्ड ऊपर जाएगा और यहाँ पर एच आएगा, ठीक है। ध्यान से समझते आना बच्चों एक एक करके, काफी इजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस होगा नेक्स्ट स्टेप में, मैंने अटैक करा दिया है, अटैक कराने के बाद जो प्रोडक्ट आया बच्चों मैंने उसको लिखा है, ठीक है, अटैक कराने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसको मैंने लिखा है, एक स्टेप मैंने आगे जंप कर चुका हूँ। ये आपका न्यूक्लियोफाइल और ये आपका टू पर अटैक करेगा, ठीक है, टू पर अटैक करेगा, मतलब यहीं पर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इस तरीके से अटैक करेगा टू पर, ठीक है, ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बनेगा। अब नेक्स्ट में H2O के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका OH H CH2 COH, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, C प्रोडक्ट, लेकिन ये दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड से बना है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जाऊंगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट बात आएगी बच्चों अभी, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चों, टू को इनोलेट आयन मानूंगा और मैं टू को इनोलेट आयन मानूंगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में वन को लूंगा, टू को इनोलेट आयन और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में वन को लूंगा। तो देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो यहां पर सी एच थ्री
CH2COH, ठीक है। अब देखो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को वो ट्रैप कर लिया जाएगा, ट्रैप कर लिया इस एसिडिक हाइड्रोजन को, ध्यान से समझना, ये यहां जाएगा, यहां पर CH3CH2, सॉरी CH-, यहां पर COH, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। अब वन वन पे अटैक करेगा, वन पर अटैक करेगा तो वन पर ये इस तरीके से एच जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां खुलेगा, ठीक है बच्चों, ये यहां जाएगा और ये आपका यहां खुलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो CH3CO- एच, यहां पर CH CH3 CO H, नेक्स्ट आपका H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका CH3CHOH CH CH3 COH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका डी प्रोडक्ट होगा, ध्यान से समझना, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, डी प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर CH, CH3, यहाँ पर COH, ये आपका डी प्रोडक्ट होगा। देखो इस तरीके से हमने कितने प्रोडक्ट बनाए, चार प्रोडक्ट, चार में से ये जो दो है शुरुआत वाले वो क्या है बच्चों, सेल्फ कंडेंसेशन के, सेल्फ कंडेंसेशन के, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ने अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया है। और ये जो दो प्रोडक्ट है वो किसके बच्चों, क्रॉस एल्डोल, मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अब देखो आपसे क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो दो तो आपके सेल्फ के और दो आपके किसके बनेंगे बच्चों, दो आपके क्रॉस के बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके चार प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, चार प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ पर चार प्रोडक्ट बना लिया, अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, जब मैंने यहाँ पर चार प्रोडक्ट बना लिया तो अब मैंने रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा। अब मैं अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होगी, तो यील्ड के अकॉर्डिंग, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन से प्रोडक्ट की यील्ड आपकी ज्यादा होगी, सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, सबसे पॉइंट वाली बात। देखो अब देखो न्यूक्लियोफिलिक, देखो ये आपका एक तरीके का क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये आपका एक तरीके का क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो आरडीएस स्टेप क्या होता है, आरडीएस स्टेप आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ ज्यादा होगा, अगर मैं बोलना चाहूँ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपका कहाँ ज्यादा होगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपका यहाँ पर C2H5 कर देता हूँ इसको, और ये इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया वन और ये टू, तो वन और टू में से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ ज्यादा होगा बच्चों, आप ही लोग बताओ, ये अच्छा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इससे पुअर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा रहेगा, मतलब वन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा, वन वन रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज क्या होगा, वन का ज्यादा होगा किससे, टू से, तो मतलब जितने भी अटैक आपके वन पर हुए वो वाला लिख लो। अब देखो वन पर कौन कौन से अटैक हुए, एक तो आपका डी वाला हुआ है, इसका मतलब डी और वन पर अटैक, देखो डी और कौन सा होगा बच्चों, डी पर तो आपका वन, हाँ डी पर आपका वन पर अटैक हुआ है और एक आपका ए पर हुआ है, तो डी और ए का यील्ड तो ज्यादा होगा किससे, बी और सी से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बी और सी से डी और ए का यील्ड ज्यादा होगा, और अब सेकंड प्रोसेस में हम क्या देखते थे, इनोलेट आयन, ठीक है, इनोलेट आयन कौन जल्दी बनाएगा, ये वाला या ये वाला, देखो अगर मैं इसका इनोलेट बनाना चाहूं तो यहां पर माइनस, अब देखो यहां पर माइनस आपका कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहां पर CH3CH-COH, देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि आपके माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, यहां पर माइनस चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, स्टेबलाइज, ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज आपका स्टेबलाइज हो रहा है, और ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर माइनस चार्ज को डी स्टेबलाइज कर रहा है ना बच्चों, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये माइनस चार्ज को ये जो इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, और ये आपका कॉन्जुगेशन में। तो ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज आपका कहाँ है, मैंने आपको बताया था एच निकालो, माइनस चार्ज जहां स्टेबल वो आपका ज्यादा एसिडिक, ठीक है, इस तरीके से करना था। तो यहां पर आपका ज्यादा ज्यादा एसिडिक है, तो हम बोल सकते हैं वन वन कैन फॉर्म, वन इज इनोलेट, देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू टू, मतलब हाइड्रोजन आपके इसके अंदर ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक होगा तो इनोलेट आयन भी जल्दी बनेगा। सो सो वन कैन फॉर्म, वन कैन फॉर्म फॉर्म इनोलेट आयन, इनोलेट आयन मोर इजिली, मोर इजिली, तो आपका वन आपका इनोलेट आयन को काफी इजिली बना लेगा। अब हमें इनोलेट आयन का अटैक कराना है, तो वन ने आप जहां जहां अटैक किया होगा वो आपका ज्यादा बेटर होगा। अब वन ने जहां जहां अटैक किया होगा वो आपका ज्यादा बेटर होगा, तो वन ने आपका कहां कहां अटैक किया है थोड़ा जल्दी देखो। वन ने आपका ए पर अटैक किया है, ठीक है, हाँ, वन ने आपको किस पर अटैक किया है, वन ने वन वन एक ये वाला था इस पर अटैक किया है, वन ने अटैक किया है इस पर, और एक आपका इनोलेट आयन, मतलब यहां पर आपने ए पर अटैक किया है वन ने, ठीक है, तो ए आपका सबसे ज्यादा यील्ड होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर टू पर अटैक किया गया है, तो यहां पर टू वन वन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, वन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां पर देखो ये आपका इनोलेट आयन का फ्रेगमेंट है, तो ये आपका किससे आया वन से, और ये आपका किससे आया टू से, तो वन का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा बच्चों, उसके बाद होगा ए, ए के बाद आपका डी, डी के बाद बी में, बी में किसने अटैक किया, बी में आपका देखो बी में इस पोजीशन पे आपका किसने अटैक किया, ये आपका टू ने, ये आपका वन ने, ठीक है, लेकिन यहां पर अटैक किस पर हुआ, इस पर, इस फ्रेगमेंट पर, तो इसीलिए इन दोनों का लेस होता है। तो अगर मैं देखना चाहूं तो आपका अटैक कौन अच्छा करेगा, वन वाला, ठीक है, तो आपका सी, सी के बाद आपका क्या जाएगा, सी के बाद आपका आ जाएगा बी। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका, यील्ड निकालने का तरीका, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद कौन अच्छा इनोलेट आयन बना रहा है, दोनों को कंपेयर करते हुए। तो सबसे पहले रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इन दोनों में से किसका मैक्सिमम होगा, वन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टू, तो इसका मतलब वन से जो जो आपका बना है, देखो एक ये आपका वन से बना है और एक ये आपका वन से बना है, ठीक है, ये आपका वन से बना है और ये आपका वन से बना है। तो देखो ध्यान से, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराए तो इस पर ही कराया होगा आपने, तो ये आपका वन से बना है और ये भी आपका किससे बना है, वन से बना है, ठीक है, और ये आपका टू से बना है और ये भी आपका किससे बना है, टू से बना है, टू पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, तो टू वाले आपके लेस हो जाएंगे। देखो सबसे पहले इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर डी और ए का मतलब ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी और सी। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे कि इनोलेट आयन ने किस पर अटैक किया है, कौन सा इनोलेट आयन ने अटैक किया है, तो यहाँ पर आपका वन ने अटैक किया और यहाँ पर आपका टू ने अटैक किया है, तो वन के पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू टू, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट का यील्ड आपका ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पर वन ने अटैक किया है क्योंकि वो इजिली एसिडिक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और टू आपका लेस करेगा, तो इसीलिए वन ने अटैक किया वन पर, तो वो प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यील्ड आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट, यहां से आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूं, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, ठीक है बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करो और इसको निकालो। अब बच्चों देखते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, काफी इजी है, देखो ये आपका सेंटर है स्टीरियो सेंटर, ठीक है, यहां पर ये आपका स्टीरियो सेंटर, ये आपका स्टीरियो सेंटर, ये आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर,
या आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है बच्चों, तो हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर निकाल दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, इसका कितना होगा, दो होगा, इससे कितने बनेंगे, दो बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, देखो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, तो यहाँ पर आपके कितने बनेंगे, टोटल चार। अब यहाँ पर भी आपका यहाँ से कितने बनेंगे, दो, क्योंकि एक ही स्टीरियो सेंटर है। अब यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर है, दो है, लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, चार। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो फोर फोर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो टोटल टोटल मतलब हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12। इसको इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उतना ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है बच्चों। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं क्रॉस एल्डोल कराऊंगा तो उसके अंदर सेल्फ भी आ जाएगा, सेल्फ भी आ जाएगा, तो मैं कंप्लीटली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने क्रॉस एल्डोल कराया, ये कराया, ये कराया, ठीक है, तो ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ भी आपका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर सेल्फ प्रोडक्ट भी मिलेगा मुझे और क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो यील्ड ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मैं कभी कर नहीं सकता। यील्ड ऑफ मतलब अगर मुझे दोनों ही निकालने हैं, इसको नहीं निकालना, सेल्फ को निकालना ही नहीं है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो सेल्फ तो आएगा ही अपने आप, और इसका तो यील्ड सबसे ज्यादा है, तो ये तो आपका आएगा, ये भी आएगा, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मुझे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, काफी इजी है। अगर मुझे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो दो मेथड है, दो मेथड है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अगर मुझे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट निकालना है तो इसके दो तरीके हैं बच्चों। कितने तरीके हैं इसके, दो तरीके। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से दो तरीके हैं जो आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट निकाल दे, या तो हम बोल सकते हैं बच्चों, या तो हम बोल सकते हैं एक के पास, या तो मैंने ये वाला कंडीशन लिख दिया, देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला कंडीशन लिख दिया, या तो मैंने ये वाला लिख दिया। अब इसका मैंने रिएक्शन कराया, तो इसका मैं अगर OH माइनस के साथ करा दूं, ठीक है, इसका मैं अगर किसके साथ करा दूं, OH माइनस के साथ करा दूं, और यहां पर हीट करा दूं, ठीक है, हीट तो हम बाद में कर ही लेंगे बच्चों, ठीक है, OH माइनस के साथ करा दूं डायल्यूट। अब बताओ यहां से तो एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप नहीं करेगा, यहां से तो एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन केवल और केवल कहां है, यहां पर है, अल्फा हाइड्रोजन केवल और केवल कहां है, एक ही जगह है। अब देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, CH2H COH, अब देखो ये आपस में तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये आपका इसी के साथ करेगा, ठीक है, ये आपका इसी के साथ करेगा, तो यहां पर OH माइनस ये यहां से चला जाएगा, यहां पर माइनस चार्ज, ये आपका इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। हम किसको इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों, यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट के यील्ड को इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। ये तो आपका था पहला मेथड, मेथड वन। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, मेथड वन का नाम भी क्या है, एक स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है मेथड वन को, ठीक है। तो देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ठीक है, आप सेकेंड स्टेप में इसके ऊपर आपका कौन कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, देखो अब ये इसके ऊपर इनोलेट आयन आपका अटैक कर जाएगा, नाउ अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CO माइनस H CH2 CO H, अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया H2O के प्रेजेंस में, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CO H CH2 CO H, तो ये आपका एल्डोल बन जाएगा, ठीक है, ये आपका क्रॉस एल्डोल बन गया। अब देखो क्या हुआ कि एक एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर हमने क्या इंक्रीज कर लिया, इससे हम क्या करेंगे, इस मेथड से वी कैन इंक्रीज द
यील्ड ऑफ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, हम यहां से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड में और समझ लो, देखो एच सी ओ एच है मेरे पास और यहां पर मैंने सी एच थ्री सी ओ एच लिया, ठीक है। अब देखो इसके पास भी आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, इसके पास भी आपका क्या है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो क्या करेंगे, इसको मैंने एच हाइड्रोजन मतलब ये मैंने एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया। अब देखो यहां पर मैंने क्या कर लिया ओ एच माइनस, ये इसको ट्रैप करके ले जाएगा, यहाँ पर सी एच टू माइनस, यहाँ पर सी ओ एच, अब ये आपका रेजोनेंस में होगा, ये ऊपर जाएगा, जब ये आपका रेजोनेंस में होगा तो सी एच टू सी ओ माइनस और एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका इनोलेट अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इनोलेट अगर अटैक करेगा तो यहाँ पर मैं इनोलेट का अटैक आपका सिंपल बता देता हूँ, एच सी ओ एच के साथ अगर मैं ट्रीट करूंगा इसको तो आपका क्या बन जाएगा एच सी ओ माइनस एच, ठीक है, और ये आपका सी एच टू सी ओ एच। अब एक चीज समझना बच्चों, जिसके ऊपर अटैक होगा उसको बाद में बनाओ, जिसके ऊपर अटैक होगा उसको पहले बनाओ, और जो अटैक करेगा उसको बाद में लिख लो, जल्दी बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इसका अब मैं फर्दर एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ओ एच सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, ये मैंने बना दिया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, मतलब मेरा करेक्ट है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं बच्चों कि यहां पर मैंने क्या लिया, एक सब्सट्रेट मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिया और एक में अल्फा हाइड्रोजन लिया। देखो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं यील्ड को इंक्रीज करने के लिए जो ये वाला मेथड है, तो इस मेथड को क्या क्या बोलेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड क्लेजन शिमिड रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे क्लेजन शिमिड रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। क्लेजन शिमिड रिएक्शन होता है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका नाम, ये वाला जो मेथड है इस मेथड को हम क्या बोलेंगे क्लेजन शिमिड रिएक्शन, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इस मेथड से हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट के वो प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और हम देखते हैं ध्यान से समझना बच्चों, एक और अब हम देखते हैं इसमें क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में सेकंड मेथड, ये तो आपका था मेथड वन, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर मेथड वन जो कि आप समझ जाओगे। अब मेथड टू अब हम क्या करेंगे, मेथड टू में मैंने कोई बहुत ही अच्छा बेस ले लिया, जो कि अगर आपके इनोलेट आयन को रिवर्सिबल ना करके इरिवर्सिबल कर दे। देखो ये मैंने इस तरीके से लिया CH3CO CH3 और यहां पर मैंने CH3COH लिया है। अब इसकी रिएक्शन मैंने NaNH2 के साथ करा दिया, ठीक है, किसके साथ करा दिया NaNH2 के साथ, ठीक है। ध्यान से समझना NaNH2 ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये आपका क्या होता है बच्चों काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा सिंपली जिसका एसिडिक ज्यादा है उसको ले जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं इसको ले लेता हूँ, यहां पर H, यहां पर 2, यहां पर CH3, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक है ये वाला, तो इसको ये अब आपका यहां पर ध्यान से समझना, पहले मैं OH माइनस के साथ कैसा करता था, यहां पर रिवर्सिबल, पहले मैं OH माइनस के साथ क्या करता था बच्चों, देखो पहले मैं OH माइनस के साथ ऐसा रिवर्सिबल बनाया करता था, लेकिन अगर इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी इरिवर्सिबल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या कर जाएगा ले जाएगा और रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं आने देगा, और अगर रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं आने देगा ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H ये आपका हो जाएगा। जब ये रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं आने देगा तो ये वाला आपका बचेगा ही नहीं, जब ये वाला आपका नहीं बचेगा तो ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके पास एक ही प्रोबेबिलिटी है इसके साथ रिएक्ट करे, तो ये आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ जब आपका रिएक्ट करेगा ये,
तो आपका क्या बना लेगा, क्या बना लेगा यहां पर? देखो OH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पर अटैक होगा उसको लिख लेते हैं। देखो इसको मैं लिख गया C2H5 O- H। अब इसने अटैक किया तो CH2 COH। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो क्या बनेगा बच्चों? नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया H2O के, तो आपका क्या बन जाएगा C2H5 COH H और यहां पर CH2 COH। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन प्रोसेस हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। कब? जब मैंने काफी स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे बच्चों NaNH2, ठीक है, NaNH2 लिखा हुआ मिल जाए या आपको KNH2 लिखा हुआ मिल जाए, तो आपका रिएक्शन, तो आपका इनोलेट आयन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल हो गया, ये 100% है तो यहाँ पर भी 100% मिला होगा, तो ये तो आपका खत्म हो गया। अब इसके पास चॉइस क्या है? इसी के साथ रिएक्शन करना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट के यील्ड को बढ़ा सकते हैं। दो मेथड मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस तरीके से जब हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे तो आगे और समझते हैं, काफी अच्छी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। तो एक तो हमने मेथड हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं सम कंपाउंड्स आर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन बट कांट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो कुछ कंपाउंड आपके ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है बट वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। मैंने आपको बोला था मैं डिस्कस करने वाला हूं ब्रेड रूल वाला। अब देखो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा या आपका अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहां से बेस ने अगर इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल भी लिया तो देखो ना, तो सिंपल देखो, क्या ये यहां पर इनोलेट आयन स्टेबल होगा? क्या ये आपका यहां जाएगा? तो ये यहां जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि डबल बॉन्ड आपका स्टेबल होता है, यहां पर डबल बॉन्ड आपका स्टेबल होता है, क्या ये आपका स्टेबल होता है? ब्रिज हेड सेंटर पे आपका क्या डबल बॉन्ड कभी स्टेबल होगा बच्चों? नहीं, ब्रिज हेड सेंटर पे आपका कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, तो ये आपका नहीं देगा, ठीक है। एक और मैं बात कर लेता हूँ, देखो CH3 2C यहाँ पर CH3 2C CH। अब देखो क्या ये रिएक्शन देगा, क्या ये रिएक्शन देगा? देखो ध्यान से, ये आपका CH3, ये आपका CH3। अब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक कर पाएगा? देखो ध्यान से, क्या यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? अब यहां पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, एक ही हो गया। अब देखो एक और मैं बताता हूँ, बहुत ही अच्छा बच्चों, जीओसी लगाना है बस आपको, कुछ नहीं करना है, जीओसी लगाना है। देखो क्या ये आपका देगा? सबसे पहले तो ये आपका OH- के साथ ये वाला H आपका बाहर निकलेगा, तो देखो ना बच्चों ध्यान से समझो, ये आपका क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। और एंटी एरोमेटिक सिस्टम तो हाईली अनस्टेबल होगा, जब एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर आपका हाईली अनस्टेबल होगा तो क्या ये इसमें कन्वर्ट कर पाएगा? देखो बेटा एक्चुअली बात ये है कि यहां से एच निकलने के बाद इनोलेट आयन अपने आप को स्टेबलाइज भी कर सकता है ना, लेकिन यहां तो स्टेबलाइज ही नहीं करेगा। देखो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये आपका नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अगर मैंने इसको यहां से एच निकाल लिया, अगर पर दो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कितने, चार, और पूरा कॉन्जुगेशन में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। जब ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक सिस्टम है तो क्या ये इसको कन्वर्ट कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड के पास आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन वो आपके कभी भी क्या नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। तो किस तरीके से देखेंगे, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस के रीजन से, एक आपका ब्रेट रूल, यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा बच्चों, ब्रेट रूल, ब्रेट्स रूल, यहां पर आपका ब्रेट्स रूल, और यहां पर एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक सिस्टम से। ठीक है, आई होप कि बच्चों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को देखेंगे, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू सो मच।